नोएडा में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जून 2023 में 5 युवकों ने सेक्टर 38 में मौजूद एक मॉल के पार्किंग में युवती के साथ गैंगरेप किया था। युवती के मुताबिक वो काफ़ी डर गई थी, इसलिए उसने पहले कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। लेकिन आरोपियों की तरफ से जब उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा, तब पीड़िता ने 30 दिसंबर को पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। थाना 39 अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें रवि नागर उर्फ रवि काना और उसके 4 अन्य साथियों के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। तत्काल प्रभाव से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उक्त प्रकरण में कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक आरोपियों में से एक कथित रूप से सरिया और स्क्रैप माफिया है। पीड़िता ने पुलिस के पास जो बयान दर्ज कराया है, उसके मुताबिक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि नौकरी की तलाश के सिलसिले में पीड़िता की राजकुमार नाम के एक शख्स के साथ मुलाकात हुई। नौकरी लगवाने की बात कहकर आरोपी राजकुमार ने उसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ बरौला गाँव आने को कहा। पीड़िता ने बताया, जब वो कागज लेकर गांव पहुंची तो राजकुमार ने उसे महिमी नाम के एक शख्स से मिलवाया। उन दोनों ने कहा कि रवि सर तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। उनकी बात पर भरोसा करके पीड़िता आरोपी रवि और महिमी के साथ 19 जून 2023 को सेक्टर 38 में मौजूद मॉल गई। उन दोनों आरोपियों ने कार को मॉल की पार्किंग की तरफ मोड़ लिया। गाड़ी रुकी, वहां 3 और लड़के रवि, आजाद और विकास आ गए। पीड़िता ने पुलिस को बताया है, मुझसे कार के अंदर बैठने को कहा गया, फिर उन लड़कों ने बंदूक निकाली और मेरे ऊपर तान दी, मेरे साथ रेप किया गया। रवि नाम के आरोपी ने घटना का वीडियो भी बनाया। जब मैंने विरोध किया तो आरोपी रवि ने कहा कि हम बहुत ही दबंग और पैसे वाले लोग हैं, अगर ये बात किसी को बताई तो वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे और तेरे परिवार वालों को मार दूंगा। मैं डर गई थी इसलिए मैंने शिकायत नहीं दर्ज कराई, लेकिन आरोपी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, इसलिए परेशान होकर मैं पुलिस के पास आई हूँ। पुलिस ने फिलहाल पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद बयान दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। बाकी 2 आरोपी रवि और महिमी की तलाश जारी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी रविराज ने। मेरा नाम उपासना है और देश दुनिया में घट रही तमाम अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।